जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने नासिक जीतो लेडीज़ विंग के साथ एक इवेंट किया था, जिसमें मैंने पर्युषण और चतुर्मास स्पेशल लाइव रेसिपी दिखाई थी। तो मैं आपके साथ मेरे फर्स्ट इवेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसकी कुछ क्लिप्स आप आज के वीडियो में देख सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं इंट्रोडक्शन को दक्षा जी बोरा, इनको बुलाना चाहूँगी, जो जीवन जी की खासियत के बारे में आपको बताएंगे। शी इज नॉट कम हियर अलोन, शी इज कम विद हर एंटायर फैमिली, हर हस्बैंड, ये ननद भी आई है उनके साथ, सुकेशा शाह। वो बोलते हैं ना, फुल फैमिली इज द बैकबोन। वो कोई भी सक्सेसफुल है, उनके पीछे उनकी फैमिली रहा तो वो कहाँ के कहाँ जाते हैं। तो आई थैंक हर एंड हर एंटायर फैमिली in front of all of you. She's a YouTuber since 3 years, and if you see her YouTube channel, you will see she has uploaded around 450 and more recipes till date. And the list goes on. So once again, from Jito Ladies Wing, Nasik chapter, I welcome you. Jain recipes, especially for Chaturmas and Paryushan, with lots and lots of tips from our YouTube celebrity, Jinal Ji Gandhi. और introduction तो आपको अच्छा लगा। आज मेरे साथ मेरे ननंद भाई हैं, जो मेरे support के लिए हैं। अब तक मैंने चैनल पे 450 से भी ज़्यादा रेसिपी अपलोड की है। wow. तो आप चैनल पे देख सकते हो। हमारा पनीर एकदम मलाईदार और एकदम सॉफ्ट मार्केट जैसा बनेगा, तो गाय का दूध का यूज नहीं करना है, और इससे एकदम पनीर सॉफ्ट और पीस वाला बनेगा। बहुत लोग की मतलब कंप्लेन होती है कि मार्केट जैसा पनीर नहीं बनता है, तो आज हम पनीर बनाएंगे। और पनीर हम लोग ना नींबू का रस का यूज़ करेंगे, ना साइट्रिक एसिड का, हम लोग दही से पनीर। तो मैंने ये दूध अभी गर्म करने के लिए रख लिया है, और दही भी हो सके तब तक फ्रीज का ठंडा दही मत यूज करिए, नहीं तो दही की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, रूम टेम्परेचर वाला यूज़ करेंगे तो थोड़ा दही कम यूज़ करना पड़ेगा, और दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं यूज़ करेंगे। वहाँ के ग्रुप में प्रोजेक्टर भी अरेंज किया था ताकि सभी मेंबर्स अच्छी तरह से रेसिपीज़ देख सकें। इवेंट के बाद नासिक जीतो लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट वंदना जी, वाइस प्रेसिडेंट कल्पना जी और चीफ सेक्रेटरी संगीता जी ने फीडबैक भेजा था, वो भी आप देख सकते हो। जय जिनेंद्र। जीतो लेडीज़ विंग नासिक चैप्टर की तरफ से मैं चेयरपर्सन वंदना तापे। अभी हमने 23 जुलाई को जीनल गांधी का माई जैन रेसिपीज करके कुकरी शो रखा था। जीनल ने बहुत ही बढ़िया माय जैन रेसिपीज के जो पर्युषण रेसिपीज और चातुर्मास रेसिपीज थी वो उन्होंने हमको बताई। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना सब कुछ हम जैन में कर सकते हैं। मेरी जीतो लेडीज विंग की 200 महिला है, वो बहुत खुश हो गई थी। बहुत बढ़िया अमेजिंग आइटम उन्होंने दिखाए थे। मतलब पनीर तो मतलब मैंने शायद लाइफ में पहली बार देखा होगा, ऐसा पनीर उन्होंने बनाना सिखाया था। पूरी पिज़्ज़ा है, कॉर्न का भरता है, बहुत एक से बढ़कर एक आइटम उन्होंने हमको सिखाए थे। तो मैं तो सबको कहूँगी कि आप सब लोग माय जैन रेसिपी जरूर फॉलो करो। जीनल ने बहुत ही बढ़िया से हमारा नासिक चैप्टर का बहुत प्रोग्राम बहुत बढ़िया लिया था। तो थैंक यू जीनल, लव यू जीनल। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं संगीता लोढ़ा, चीफ सेक्रेटरी जीतो लेडीज विंग नासिक। रिसेंटली ही हमने जीनल जी का माय जैन रेसिपीज़ का प्रोग्राम लाइव किया था। उसमें हमने चातुर्मास रेसिपीज़ एंड पर्युषण रेसिपीज़ इंक्लूड की थी। पहले तो मुझे लगा था पता नहीं पसंद आएगी या नहीं रेसिपीज़, जैन रेसिपीज़ उसमें कॉन्टिनेंटल और ये सब रेसिपीज़ थी, पर टू माय सरप्राइज़ एकदम बहुत बढ़िया उन्होंने सारी रेसिपीज़ आसान तरीके से हमको सिखाई। उसका मेजरमेंट, उसमें क्या क्या सामग्री जाने वाली है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमने सब ने उनकी सारी रेसिपीज टेस्ट की, सुकड़ी हो गई, लच्छा पराठा हो गया, फिर कॉन्टिनेंटल में हमने पिज्ज़ा और मेक्सिकन राइस वगैरह ट्राई किया, और बहुत टेस्ट एकदम बढ़िया A1 था। तो
आई विल हाईली रिकमेंड जिनल जी शाह इफ यू वॉन्ट टू डू एनी प्रोग्राम्स. और उनका जो पनीर था वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग सॉफ्ट था. यू मस्ट ट्राई इट. थैंक यू. नासिक जीतो लेडीज विंग्स चैप्टर के द्वारा कुकिंग का जो वर्कशॉप लिया गया उसमें जिनल जी ने हम सभी बहनों को जैन पद्धति के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही आसानी से हम सभी को सिखाया कि कैसे हम घर में पनीर बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, सब्जियां बनाएं. उनका जो सिखाने का तरीका था बहुत ही सुंदर तरीका था. आज यह वर्कशॉप अटेंड करके हमारी सभी बहनें बहुत ही खुश हैं और उन्हीं के लिंक को फॉलो कर रही हैं. थैंक यू जिनल जी, यू आर अ ग्रेट. थैंक्स टू नासिक जी तो लेडीज विंग. वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हो. Thank you so much for watching.